ताई गलती हो गई, कुछ जरूरी पेपर थे क्या? ये क्या किया तूने? इसको तू सब खराब, ये जरूरी कागजात थे राजाराम, वकील साहब खुद आए थे ना, तू माफ करना वकील साहब, वो आप वापस शहर आओगे तो लेकर आ जाइएगा पेपर्स, मैं साइन करके दे दूंगी। चलिए कोई बात नहीं, मैं बाद में आता हूँ। मैं दूसरी चाय बना के लाता हूँ। क्या किया तूने? पागल हो गया है तू? पता है काका ने भेजा था वकील साहब, जब उन्हें पता चलेगा कि सारे पेपर्स खराब हो गए तो कितना बुरा लगेगा उन्हें। डांट ले, तू भी मुझे डांट ले, पर ये मत पूछना कि ये मैंने क्यों किया। मैं पागल हूं ना, तुझे क्या लगता मुझ में अक्ल नहीं है? अरे अक्ल तो तुझ में नहीं है जो बिना पेपर देखे समझे उस कहीं भी पास फटाफट साइन किए जा रही है। अरे आभा से अदिति से मुझसे पूछना तो था कि उस कागजे में क्या लिखा है। कोई कुछ भी बोलेगा और तू कहीं भी साइन कर देगी। जानबूझ के कि देख राजाराम, मैंने अवनी के काका से बात की थी, उन्होंने ही कहा था कि साइन कर। काका ने ऐसे बोला? अरे साहब के मुंह से जहर की जगह शायद कैसे निकलने लगा, उनकी जेब से एक फूटी चवन्नी तो निकलती नहीं है, और आज पैसे खर्च करके वकील को भेज दिया। अवनी की शादी में उन्होंने ही मदद की थी हमारी। हाँ मुझे मालूम है, अदिति ने मुझे बताया कितनी मदद की थी, वो भी काकी के कहने पर। अरे जान जलती है उनकी किसी को एक रुपया देने में भी। दिखता ही ये जमीन जायदाद में ना भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, और तू तो भाई की घरवाली है। दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितनी तू समझती है। भाऊजी के जाने के बाद किसी ने तुझसे पूछा कि तू कैसी है? नहीं पूछा ना। अरे वो तो काकी है जो जबरदस्ती रिश्ते निभा रही है। लेकिन राजाराम, दिखता ही तू अपने मन की इच्छा के लिए जो चाहे वो सोच ले, लेकिन इस पागल की एक बात मान, बिना पढ़े बिना समझे बिना किसी की सलाह लिए किसी भी पेपर पर साइन नहीं करेगी, समझी तू? पीली वाली दवा रखी है, टाइम हो गया खा लेना। तो ऑफिस जाने को देर हो रही है, और ये सिटी को भी अभी टाइम लगना है। सुबह सुबह रानी कहाँ जा रही है? आई को बताना पड़ेगा। टक्कर मारकर हड्डियां तोड़ेगी? माफ कर दीजिए आई, मैं जल्दी में थी इसलिए दिखे। होश में है तो दिखूंगी ना मैं, हर वक्त हवा में उड़ती रहती है, इतनी जल्दी कहाँ जा रही है?
आई वो मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो गई है। रोज तो 10 बजे जाती है, आज 8 बजे ही देरी हो गई। हाँ आज वो ऑफिस में कुछ जरूरी काम था इसलिए थोड़ा जल्दी जाना है। ठीक है जा ऑफिस में, पर जाने से पहले मैं चाय पीना चाहती हूँ, थोड़ा सा चाय बना दे। और हाँ कल रात को दही खट्टा हो गया था, उसकी कढ़ी बना देना। और मैंने कल रात को कुछ कपड़े भिगो के रखे थे, दो हाथ मार के उन्हें साफ कर दे और फिर चली जाओ ऑफिस में। हाँ आई, माफ करना पर मुझे आज ऑफिस के लिए बहुत देर हो रही है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं शाम को आने के बाद कपड़े धो दूंगी और कड़ी भी तभी बना दूंगी। और आपकी चाय नीता बना देगी, है ना नीता? बहू तू इस घर की नीता नहीं है जो अपना काम दूसरों के सर मर दे। आई आज ही की तो बात है, और फिर मुझे पता है अपनी वहिनी के लिए मेरी प्यारी ननन इतना तो कर ही सकती है। अच्छा तो तू मेरी बात नहीं मानेगी, मुझे जो चाहिए वो नीता या अंजू से बोलूं? हाँ नहीं आई ऐसी कोई बात नहीं है, ऑर्डर देना तो आपका हक है और उसे पूरा करना मेरा फर्ज। पर आई ऑर्डर देने का या फर्ज पूरा करने का एक वक्त होता है, अभी मुझे ऑफिस के लिए बहुत देर हो रही है, शाम को आने के बाद आप जो कहोगे मैं सब करूंगी। अच्छा मैं चलती हूँ। शाम को? पर चाय तो मुझे अभी चाहिए। आई अगर मैं ऑफिस देर से जाऊंगी तो फिर ओवरटाइम भी नहीं मिलेगा, इसलिए टाइम से जाना पड़ेगा। ये राजेश भी ना कभी टाइम पे नहीं आता, कल थिएटर में तो कहा था 11 बजे तक आ जाऊंगा लेकिन। अरे वो देख अपने राजेश ड्राइवर की आइटम, पक्का वो उसी का वेट कर रहे हैं। क्या बात कर रहा है? हाँ देख उसका मतलब साला इधर ही चाहेगा, वो इधर ही चाहेगा। भाई उसकी गर्लफ्रेंड के सामने इस साले को पकड़ता हूँ, इज्जत बचाने के लिए बराबर पैसा देगा साला। साला बहुत महीने से पैसा खा के बैठा रहे, क्या बोलता है? साला पूरा पैसा वसूल करेगा इससे। भैया देख राजेश अपन को देख के भाग रहा है साला। अरे भाग के जाएगा किधर, आज छोड़ेगा नहीं। इधर आया ना, पक्का अपनी खोली में गया होगा, चल इधर ही है। ए अंकल तुम्हारा बेटा राजेश किधर से आ रहा है? आई को
और ये लड़का लोग लेके गाय को ढूंढ रहा है उसको तो? ए अंकल उधार लिया उसने अपन का, समझा ना, अपन को रोकड़ा वापस मांगता है। मैं कहां से दूं? वो नहीं देगा ना तो तुमको देना पड़ेगा। मैं कहां से दूं? मेरे पास है ही नहीं पैसा, कुछ कुछ नहीं मिलेगा। चल अरे तेरा बाप भी देगा, अब इधर तक आया ना अपन तो पैसा लेके जाएगा। बाप भी नहीं बोलेगा, चल निकाल। बाप भी नहीं बोलने का। जवानी दिखाता है चार चार लोग। अपने बेटे से पूछ, शर्म आती है क्या? पैसे खा के बैठा आप उन लोगों का। सांस लेने को नहीं होता मेरे को इन दोनों की वजह से। कैसे औलाद मेरे को दिए भगवान, एक कामचोर और रिकम्मा, और दूसरा बीवी के पल्लू से बंधा अकल का दुश्मन। ए आंटी, ये शैंटी स्टोरी किसी और को चिपकाने का, समझी ना, हमको हमारा पैसा मांगता है। अरे कैसे दे तेरा पैसा, कहाँ से दे मुझे बताना तू। बड़ा बेटा खाली रिक्शा चलाता है, उसके कमाई से जैसे तैसे घर चलता है, और छोटा है कि हीरो के माफिक चमकीले कपड़े पहन के बैग घूमता है वो। ना माँ बाप की फिक्र है ना घर की फिक्र है। अरे तुम लोगों ने कुछ सोच समझ के उसको पैसा देना मांगता था ना, ऐसा कैसा दे दिया? तो अंकल को जानते हैं ना हम लोग। ए अंकल पैसा देगा, चल। ए अंकल जेब डेली कर, चल। ए काय का पैसा रे, चल निकल यहाँ से। और जिसको उधार दिया ना उससे उधार लेना, चल ए निकल। और नहीं तो क्या, इधर क्या बैंक खोल के रखे लगे हम लोगों ने, जो आया मुंह उठा के पैसे मांगने आ जाता है। लोग का बहुत हो गया समझा ना, हमको हमारा पैसा मांगता है बस, वरना एक आधे को इधर ही टपका डालेगा अपन। ये राजेश का रोज का नाटक हो चुका है, आए दिन जो आता है वो उठा के पैसे मांगने आ जाता है। तुम एक काम करो, ये मेरी चैन लो, इसे गिरवी रखकर इनके पैसे लौटा दो, जाओ। ए चलो रे, देता हूँ तुम लोगों का पैसा, चलो इधर राड़ा नहीं करने का। दरा आ गए लाट साहब, आइए। अभी वो आपके यार लोग आ गए कैसे? साले हराम घोर इधर भी आ गए, चैन नहीं है सालों को। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ मैं नहीं मिला उनको। अच्छा पैसे तो देने पड़े ना उनको। अरे चक्को दिखा रहे थे तो मैंने अपने गले की चैन गिरवी रखवा के उन लोगों के पैसे चुकते करने को बोले तेरे भाऊ को। वो डेढ़ छाणी बनती है ना वही, कई को दिए पैसे? अरे दौड़ाना था सालों को, मेरे को मिल जाए ना अभी तो दूंगा सालों। दौड़ाना था, अच्छा सुन वो छोड़। अब मुझे बता, तूने मेरी छोटी बहन को तो देखा है ना, बहुत पसंद करती है तेरे को। सुना मैंने, मैंने बाबा से बात करके तुम दोनों की शादी भी फिक्स करवा दी। तू बस हाँ बोल दे, मैं जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी करवा दूँ। देख देख, जैसे मैंने आज अपने गले की चेन बेच के तेरी इज्जत पे कोई आचाने नहीं दी ना, वैसे ही मेरे बैच में नहीं। ये फोकट का राग ना मेरे को मत गा, मेरे को मालूम है ये तेरा लाड प्यार कायको है। वैसे भी तेरी बहन को मेरे से मत चिपका, क्योंकि मेरे को शादी के लफड़े में पड़ना ही नहीं है। बहुत शाहरुख खान बनता है ना तू। रुक, तेरी शादी तो मैं मेरे बहन से करूंगी, देख। हाय भास्कर, क्या बात है, आज सुबह सुबह ऑफिस में? बॉबनी से मिलने आया था, देख नहीं रही वो कहाँ है? वो एक्चुअली मुझे भी उससे कुछ काम था, पर शायद अब तक आई नहीं वो। आई नहीं? हाँ। मतलब भाई से झूठ बोल के वो अपने घर गई है? आज तो मैं उसकी अकड़ ठिकाने लगा कर ही रहूंगा। पहले हमें जवाब देना शुरू किया पर अभी झूठ भी। भास्कर भाव, अवनी से मिलने आए थे? हाँ वो पर वो तो बड़े सबके साथ मीटिंग में अंदर। क्या? हाँ मैं बोल देता आप आए हो। I'm sorry भास्कर, वो मुझे नहीं पता था कि अवनी अंदर मीटिंग में है। Really sorry. झूठ कैसे बोला बत? कैसे बोला तू? भास्कर देखो जैसा तुम समझ रहे हो, नहीं चाहता ना कि मैं यहाँ पे अवनी को आके मिलूं। भास्कर ऐसा कुछ नहीं है। तो अपने आप को झूठे कहीं एक नंबर मैंने कहा, मुझे नहीं पता था वो यहाँ पर बोली थमे।
छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। क्या तमाशा कर रहे हैं आप? यहाँ पे सब लोग देख रहे हैं। आप चलिए यहाँ से, चलिए भास्कर। उषा, उषा मुझे नहीं पता था कि अपनी ऑफिस में है। क्या मस्करे? मिस्टर कूल होके भी कहाँ उस भास्कर के मुंह लग गया? क्या जरूरत थी उससे लड़ाई करने की? अरे उषा, मैं कहाँ कुछ बोल रहा था। मुझे लगा अपनी ऑफिस में नहीं है, तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि अपनी इस ऑफिस में नहीं है। इसी बात पर फालतू में हाथापाई करने लगा। अरे मैंने सॉरी तक कहा उससे। चलो छोड़ो अभी इस बात को, लो पानी पियो। आइंदा ध्यान रखना। क्या है कि बीवी के क्लोज मेल फ्रेंड्स को ये हस्बैंड लोग अक्सर पसंद नहीं करते। हाँ तो भगवान ने मुझे ऐसे ही बनाया। अपनों को पागलों की तरह प्यार करना सिखाया तो अपने दुश्मनों को पागलों की तरह मारना भी सिखाया। पर मस्करे से आपकी क्या दुश्मनी है? उससे क्यों लड़ रहे थे आप? क्यों? ये मेरा ऑफिस है, कोई गली मोहल्ला नहीं है, जहाँ अगर आप किसी पर भी यूं हाथ उठा देंगे तो उसने मुझे झूठ क्यों बोला? क्योंकि मैं सुबह चलती आई थी, मेरी बॉस के साथ मीटिंग थी और उसको इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। पता भी होगा तो बताएगा थोड़ी ना वो। तुम मुझे अपने बॉस से मिलाओ, जाकर अभी उसकी कंप्लेंट करता हूँ मैं। आप बॉस से बाद में मिल लेना, पर पहले आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ ऑफिस में क्या कर रहे हैं? वो क्या आप नजरें क्यों चुरा रहे हैं? बताइए ना, यहाँ किस लिए आए थे? तुम्हारा पति हूँ मैं, नहीं आ सकता क्या ऑफिस में तुमसे मिलने के लिए? ना मतलब के तो आप बिस्तर से पैर भी नहीं उतारते भास्कर, और इतनी दूर बिना किसी वजह ऑटो के पैसे खर्च करके आप मुझसे मिलने आए? नहीं, सच सच बताइए भास्कर, क्यों आए आप यहाँ? क्योंकि आपको लगा कि मैं ऑफिस नहीं बल्कि आई से मिलने गई हूँ? आप मुझ पर जासूसी करने आए थे ना? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।